अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वर्तमान शिवराज सरकार को कहा अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वर्तमान में प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सरकार को आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए किसान नौजवान विरोधी सरकार बताया। इस दौरान राम का नाम मैं चुनाव के 6 महीने पहले याद करने और रावण जैसे काम करने वाली सरकार भी कहा। जो वर्तमान मध्य प्रदेश में मामा सरकार है, उन्हें मामा कहलाने का शौक है, मामा सरकार है शिवराज जी की, ये आजादी के बाद की पूरी जिम्मेदारी और पूरे आंकड़े के साथ कह रहा हूं, भ्रष्टतम सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, किसान नौजवान विरोधी है और अक्षम भी है, इसमें वो क्षमता नहीं। मैंने एक आंकड़े नीचे दिए हैं आपको, प्रतिलिपि मैंने दी है, मैं नहीं चाहता कि आप सबको बहुत आए आए बहुत समय लगे आप सबको, तो आंकड़े इसमें हैं। अवध क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां भगवान राम का अयोध्या है, ये मेरा अनुभव है साहब, सतत अनुभव, आंख देखा अनुभव, कि 4 साल 4.5 साल भाजपा को भगवान राम नहीं याद आते, इनको गोडसे याद आते हैं और काम रावण वाले करते हैं। जब 6 महीने रह जाता है, 5 महीने रह जाता है, तो भगवान राम इनको सडनली याद आते हैं। मेरा भी अनुभव है, आपका भी होगा, ऐसे इनको याद आते हैं जैसे बरसात होती है तो आप बच्चों से कहते हो कि मच्छरदानी लगा लो, अब तो ये इसी का जमाना है, नहीं तो पहले होता मच्छरदानी लगा लो, फुल स्लीव का कपड़ा पहनो, क्योंकि मलेरिया होता है मच्छर के बाद बरसात में, और जाड़े में फ्लू बहुत होता है जैसे शुरू होता है, तो जैसे बरसात के बाद मलेरिया डेंगू और जाड़े में फ्लू हो जाता है, वैसे भाजपा को चुनाव जब 4-5 महीना रह जाता है तो एक बीमारी लगती है और उस बीमारी का नाम है मंदिराइटिस। जैसे चुनाव खत्म होता है, इसमें किसी दवा की जरूरत मंदिराइटिस में नहीं पड़ती, इस बीमारी का लक्षण बताया और इसका निदान बता रहा हूं, मंदिराइटिस जैसे बीमारी, जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भाजपा वाले के मुंह से आप अयोध्या सुन नहीं सकते, भगवान राम आप सुनेंगे नहीं, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, फिर उनको बंद करके बक्से में ताला लगा के रख देते हैं।